हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली अच्छे होंगे। सभी को शुभ संध्या मेरी ओर से। आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। क्या हम पढ़ने वाले हैं? आप लोग का एग्ज़ाम जून में होगा, जब भी होगा। अगर ज़्यादा ज़्यादा लेट होगा तो लास्ट जून चला जाएगा, एकदम नहीं तो 1-2 जुलाई जा सकता है। जो भी होगा, एक भूमिकाएं हैं, लेकिन होगा आप जल्दी। बहुत टाइम कहोगे 2 महीना 3 महीना तो नहीं मिलने वाला, इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, अब आज चलो पढ़ते हैं। क्या मालूम है, अब आप लोग पेपर के बारे में कह रहे थे, आपने कहा तो आप लोगों का, मैं आज साइंस का पेपर स्टार्ट कर रही हूँ, आपका तीसरा पेपर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, थर्ड पेपर ये है। सारी डिटेल आपको मालूम है, क्या है सिलेबस, कैसे क्या चीज़ें होती, कैसे क्या पेपर आता है, आपको सब कुछ पता है, E to Z। सिर्फ हमें अब क्वेश्चंस को देखना है, उनके बारे में पढ़ना है और जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। ये 2000 साइंस का 17 का पेपर है, फुली मैंने सॉल्व किया हुआ है, पूरा मैं एक एक बताऊंगी। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, और इसी तरीके से मैं सारे सब्जेक्ट एक एक विषय को आपको लेकर डेली मैं एक एक विषय के पेपर आपको आराम से करवा दूंगी, तो चीज़ें आपकी हेल्प होंगी। 17 से मैंने स्टार्ट किया, 17, 18, 19, 20, 21 जो भी यहाँ है, 22 तक हुआ है, वो मैं आपको करवाऊंगी। लेकिन इसके लिए आपको मेरा सपोर्ट करना होगा, साथ में आना होगा, साथ देना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, आप जुड़े शानी क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं, देखते हैं पूरा वीडियो एंड तक देखिए, फिर कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए जानते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस के। सबसे पहले पूरा पेपर देखेंगे, फिर एक एक स्टेप को करके सॉल्व करेंगे। तो ये है आपके सामने पेपर 2017 का, देख सकते हैं ये। ठीक है, चलिए तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर के 5 क्वेश्चंस का सेम पैटर्न वही रहेगा, फिर आपके हाथ लघुत्तरी फिर लघुत्तरी रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नवत में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं। आपको क्रिस्टल कार्बन का रूप, अक्रिस्टल कार्बन के रूप का एक एग्जाम्पल पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है। तो क्या वो ग्रेफाइट है, क्या वो हीरा है, क्या वो फुलरीन है, क्या वो सुगर चार कोल है। एक नंबर का प्रश्न है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन का आंसर वही बच्चा कर सकता है जिसको क्रिस्टल्स का, क्रिस्टल के मतलब क्रिस्टलीय रूप क्या होता है कार्बन का, अक्रिस्टलीय रूप क्या होता है, ये जिसे मालूम है वही इस चीज़ का सही आंसर दे सकता है। आप ऑप्शन देखकर नहीं बता सकते, इट कांट बी पॉसिबल टू सी द ऑप्शन एंड गिव द आंसर। ठीक है, आपको ये पहले मालूम होना चाहिए कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल्स रूप, क्रिस्टल्स का मतलब क्या है। तो क्रिस्टल अगर पता होगा तो उसका सेम विपरीत जो होगा वो अक्रिस्टल होगा। तो क्रिस्टल्स का रूप मालूम है, बताइए क्या कार्बन के जो क्रिस्टली फॉर्म्स होते हैं क्या वो आपको मालूम है कि वो होते क्या हैं। क्रिस्टलाइजेशन, सॉलिडिफिकेशन आपने पढ़ा होगा अगर, तो ये क्या है मालूम है। ये केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का एक ही राइट आंसर है, वो आपका सी ऑप्शन है, सुगर चारकोल। ठीक है, सी ऑप्शन के लिए करेक्ट है। अब ये है क्या ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन जो है ये कार्बन के क्रिस्टली फॉर्म्स हैं। क्रिस्टली फॉर्म्स जो होता है उसका मतलब यह है कि ऐसे ठोसों से है, ऐसे ठोस ठोस यानी कि ऐसे सॉलिड सब्सटेंस से आपकी क्रिस्टल्स फॉर्म बनते हैं जिसके अणु, परमाणु, आयन ये एक व्यवस्थित क्रम में, अरेंजमेंट के क्रम में लगे रहते हैं, और इनका यही जो क्रम होता है ये इनको सॉलिड के रूप में बांध के एक आकार दे देता है। ठीक है, इसी वजह से ये क्रिस्टल्स जो है बहुत सॉलिड टाइप के होते हैं। और ये सुगर चारकोल जो होता है इसका कोई अपना सॉलिडिफिकेशन नहीं होता, यानी कि कोई इसका अपना आकार या स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से ये आपके अक्रिस्टलीय पदार्थ में आएंगे, क्रिस्टल्स में आपके शेप वाले आएंगे। ठीक है, तो पहले का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसका नहीं गलत मतलब नहीं सही हुआ है कोई बात नहीं, सीख लीजिए, अभी भी वक्त है, आराम से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों के बीच की दूरी होती है। वेवलेंथ से आपको प्रश्न बन रहा है, तरंगों से, वेव से बन रहा है। तो क्या वो आयाम होता है, क्या वो तरंग दैर्ध्य होता है, या अर्ध आयाम होता है, या अर्ध तरंग दैर्ध्य। हाफ वेवलेंथ होती है, फुल वेवलेंथ होती है, आयाम होता है, हाफ आयाम होता है। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनके बारे में मालूम है, आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको ये सब कुछ आप लोग 6th, 7th, 8th, 10th में इसको बिना पढ़े तो किसी पेपर ही नहीं दिया होगा, चाहे वो CBSE से हो, UPSC से, मतलब यूपी से हो, ISC से हो, किसी बोर्ड से हो। अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में मालूम है किसको कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके दोलन तरंग संचरण की जो दिशा में लंबवत होते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसमें जिसकी जैसे कुछ इस तरीके से रहता है। देखो ये यहाँ पे आकार है, जिसकी गति के जिसमें सभी तरंग एक तरंग के आगे बढ़ने की दिशा में समकोण पर पथ के साथ दोलन करते हैं।
ठीक है, जैसे पानी की सतह पर लहरें आती है, एक एग्जांपल, भूकंप की तरंगे जो होती हैं वो एग्जांपल, विद्युत चुंबकीय के रेडियो वेव्स वगैरह देखो तो वो सारे के सारे कैसे हैं, आपके अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसे क्या बता सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के कणों का विस्थापन का तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में ही होता है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के एक सिरे को दीवार के साथ बांध दो, ठीक है, और दूसरे सिरे से हाथ से हिलाने पर रस्सी में उत्पन्न तरंगे होती है। एक सिरे से एक व्यक्ति है, उसके एक सिरे को दीवार से टाइट करके बांध दो और दूसरे सिरे को हाथ से हिलाने पर, अगर आप दूसरे सिरे को उसके हाथ से हिलाओगे तो रस्सी में जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, जैसे आप क्या करो कि एक शांत जल है और उसमें जाके तालाब में पानी कुछ उसमें पत्थर फेंको, तो जल में जो है लहर का जो उत्पन्न होती है, देखो गड्ढे में डिप होता है और एक ऊपर पानी का उछाल आता है, वो आपका एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो यहाँ पर उसी के हिसाब से आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, वेवलेंथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी सारे के सारे आपके इस क्वेश्चंस के लिए गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा। डॉक्टर का थर्मामीटर होता है, उसको तापमा उसको उसके ताप मापने का विभाजन का जो स्केल है वो कितना होता है? 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, 32 फ़ारेनहाइट से लेकर 212 सेल्सियस, 95 फ़ारेनहाइट से लेकर 110 फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री आर से लेकर 80 डिग्री आर, वो क्या होता है बताइए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है जो कि बहुत कोई किताब का नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है, कॉमन सेंस की बात है। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, विच वन इज़ बेस्ट? आपका सी ऑप्शन बेस्ट है, 95 फ़ारेनहाइट से लेकर 110 फ़ारेनहाइट तक होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। पेचिस नामक बीमारी में निम्नवत में से किस सूक्ष्म जीव के लिए होता है? जो पेचिस में पड़ता है पेट में वो किससे होता है? फैलबी वायरस से, ईस्ट से, निमोटोड से होता है या एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है? तो यहाँ पर जो पेचिस नामक बीमारी होती है उसका एक ही ऑप्शन बेस्ट है सूक्ष्म जीवों के लिए। जो उत्तरदायी ऐसा सूक्ष्म जीव का नाम बताओ जो लोगों के अंदर, मनुष्यों के अंदर ये पेचिस की बीमारी पैदा करता है, तो वो है एंट अमीबा हिस्टोलिका। डी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है और मिलते हैं उनको पूरे टोटल के टोटल अभी 4 नंबर। आगे बढ़िए, किसी वस्तु को जल में आप पूर्णतः डूबने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है उसी के बेस पे काम करता है। इंग्लिश में इसको यही कहते हैं, आर्किमिडीज फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। याद है, मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ मुझे, लेकिन हिंदी में ये चीज़ पता है तो आपको भी पता होनी चाहिए क्योंकि आप आदत डालो चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर वो उसका जो भार होता है वो क्या होता है? वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी और वह सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। इसका आंसर आप क्या बताएंगे? इसका आंसर अगर मैं आपसे इसका एक आंसर पूछूं तो आप क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं आप? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? आपको मालूम है तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूबी किसी भी वस्तु के ऊपर की ओर जो बल हम लगाते हैं उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे आपको बहुत सारे बच्चों को यही नहीं मालूम होगा, तो ध्यान रखिए किसी भी कोई सरफेस है उस तल में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डूबी हुई कोई भी वस्तु के ऊपर से जो हम बल लगाते हैं उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। चाहे आप नाव में लगाओ या जलयानों में लगाओ या गुब्बारों में लगाओ, ठीक है। जैसे सपोज ट्राई करो कि जब आप किसी गुब्बारे को पानी में डुबाने का प्रयास करते हो क्या, तो आप क्या देखते हो? इसे पानी में डुबाने में बहुत बल लगाना पड़ता है क्योंकि आप ये अनुभव कर लेते हो कि लिक्विड का द्रव्य का एक बल लगता है जो उसे ऊपर की तरफ ढकेलता है। इसको उत्प्लावन, गुब्बारे को पानी की बाल्टी में डुब करो तो क्या डूबेगा? नहीं ना। तो वही आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये बल है, उत्प्लावन बल जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। अब आप देखो, ये मैंने आपको पूरा बता दिया, इसका आंसर पांचवे का क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अब बताएंगे। मैंने पूरी बात समझा दी, मैं देखना चाहती हूँ आप क्या आंसर बता दें। क्या वो पूरी डूब जाएगी? क्या वो पूरी तैरेगी? क्या वो कुछ डूबे कुछ तो क्या पूरी नीचे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, अब वो कौन सा होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ध्यान रखिएगा, डीएड थर्ड सेमेस्टर के सारे बच्चे इसको देखेंगे और सारे बच्चे इसको आंसर करेंगे। मैं देखने तक बताने के बाद अब गलत नहीं करना, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों का श्रृंखला। ये यहाँ पर 6 से 11 तक के क्रम में रहते हैं, टोटल 6 रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रसोई घर में प्रयोग होने वाली जो पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला, जैसे मान लो कि गैस घर में लीकेज हो गई तो उसमें जो एक गंध वाली गैस डाली जाती है, जैसे आप ये जान जाते हो कि गैस कहीं निकल रही है, तो वो गैस का नाम आपको बताना है, ठीक है। बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, सुपर है,
नेक्स्ट है क्रांतिक कोण किधर से क्रिटिकल एंगल पूछ लिया। वाह क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सुपर। फिर उसके बाद संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर क्या है। ओहो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फैंटास्टिक है, ये उंगलियों पे होने वाले प्रश्न है फ्रेंड्स। आप अगर मालूम है जो बच्चे ने 10th तक अच्छे से पढ़ी मेहनत की हुई, हाँ भूल गए होगे बात मैं मानती हूँ, लेकिन अगर बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी हैं समझी हैं तो आपको बस एक दो बार रिविजन करना, फिर आपको उसको रट्टा नहीं मारना, कर ले जाओगे। नाइन देखो किन्हीं खाने वाले, मैं पेपर तो पहले से नहीं देखी इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। देखो भाई क्या लिखा है, मुझे मालूम भी नहीं है, मैंने तो बस फोटोज ली बट आप क्योंकि आता है तो भाई क्या पढ़ना। किन्हीं दो खाने वाले सब्जियों के रूप में, अच्छा कवा वो फंगी, दो ऐसे फंगी का नाम बताओ जिसको हम यूज़ करते हैं सब्जी के तौर पर या खाते पीते हैं। फिर है वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये तो वो वाला है रेनबो वाला है बिबग्योर वाला, और दाब का एसआई मात्रक। ओहो फैंटास्टिक क्वेश्चन। अच्छा एक बात देखो, बायो के क्वेश्चन थोड़े कम आए हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स के ज़्यादा आ रहे हैं, ये 17 के पेपर में आया हुआ है तो मे भी आप में भी आए, जो भी होगा देख लेंगे। चलो फिलहाल क्लास को लाइक करो, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है फटाफट लाइक करें सभी लोग मिल के, तभी क्लास मज़ेदार होगी और अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन करेंगे 6 से फिर आएंगे आगे। तो सबसे पहले पूछ रहा था वो गैस का नाम बताओ जो गंध आपको पता चलती है, तो उसका नाम है एथिल मरकप्टेन, ठीक है। क्या है एथिल मरकप टेन उसका नाम होता है, जलपीजी गैस में ये रिसाव के कारण जो जब निकलती है तो बदबू आती है, आपको पता चल जाता है। एथिल मरकप्टेन का जो वो सूत्र होता है वो लिख लो जिन्हें नहीं पता है, C2H5H5SH, ये इसका सूत्र होता है, फुल फॉर्म भी मतलब सूत्र है, फॉर्मूला है, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्या पता आपको टिक करने को ही आ जाए ना लिखने को आए इस बार। तो आगे बढ़िए नेक्स्ट। अच्छा क्रांतिक कोण के बारे में पूछा था, क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, देखो आपको कुछ चीज़ ध्यान से समझनी होगी। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि संघन माध्यम, संघनन कहते हैं डेंस मीडियम में बना हुआ आपतन का कोण, एक आपतन का कोण बनता है जिसके लिए विरल माध्यम में बने आपतन के कोण का मान 90 हो जाता है। डेंस मीडियम में बना एक ऐसा आपतन कोण जिसके लिए जो विरल माध्यम होता है उसमें बने कोण का जो मान है वो 90 डिग्री का हो जाता है, उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अभी रुको और समझाऊंगी, समझ में आएगा। जब कोई प्रकाश की किरण, देखो जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी डेंस मीडियम से सरल मीडियम में जाती है, डेंस मीडियम से सरल मीडियम में प्रवेश करती है तो उसका कुछ भाग परावर्तित, कुछ भाग उसका परावर्तित हो जाता है एवं अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है। कुछ ही भाग ऐसा होता है जो परावर्तित हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ भाग ऐसा कुछ ही और शेष भाग जो है वो अपवर्तित नहीं होते। तो तब जो अपवर्तित किरण होती है, यहाँ पर ओवी दिया हुआ है, देखो ये है ओवी, ये देख रहे हो, ये अपवर्तित किरण है, ये अपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये संघनन है, ये विरल है, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है। और इस स्थिति में जो आपतन कोण आर बनता है, ये जो आपतन कोण आर बना हुआ है इसका मान आई से अधिक होता है, ये जो आपतित कोण आई बना हुआ है इसका मान आई से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस चित्र में दिखाया गया। अब दूसरे चित्र में देखो यहाँ पर क्या किया गया है, यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए, यानी कि ये जो कोण का मान, अगर हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो आपतन कोण का मान भी बढ़ता है, अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता है, और एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब R का मान 90 हो रहा, अभी तक क्या था कि I का मान 90 हो रहा था, अब R का मान 90 हो जा रहा है, और इसी स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाले तल को स्पर्श करती हुई पास होती है और वहीं से निकलती है। तो चित्र V में आपको ये चीज़ दर्शाई जा रही है, और इसी स्थिति को हम क्रांतिक स्थिति कहते हैं। ये ध्यान रखो, ये कुछ 90 का कोण, पहले कहाँ था, ये वाले आई में 90 का कोण बन, अब यहाँ पर आर वाले में बन रहा है, ये आपका क्रांतिक कोण फॉर्म हो रहा है और ये आपकी रेज बन रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको लिखने को ये क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है और आता है, इसी तरह आएगा, दोनों फिगर भी आप बनाना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, भूलना नहीं जहाँ पर 90 डिग्री के मान के बनने की बात आपसे कही जा रही है। आगे बढ़ो नेक्स्ट देखो, एट क्वेश्चन था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त, सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन वे कार्बन परमाणु होते हैं जिनके बीच सिंगल संयोजक बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड के जो सूत्र बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें कम से कम आपको एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण देख लो, तो ये आपका असंतृप्त, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड, कार्बन के डबल बॉन्ड है, लेकिन इस पूरे वाले में देखो तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये आपका संतृप्त होता है और ये आपका असंतृप्त होता है। एग्जाम्पल आएगा,
आपको क्वेश्चन आएगा, आप भी इसी तरीके से लिखेंगे और इसी तरीके से फिगर बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। क्लियर, आगे चलो। नेक्स्ट देखो क्या है, उसके बाद वो पूछा था ना कि ऐसे ईस्ट फंगी का नाम बताओ जिसको हम खाते हैं। तो आप मशरूम खाते हो, मोल्ड खाते हो, ईस्ट खाते हो, ठीक है, पफ बॉल्स बनती है उसको खाते हो, स्टम्प्स खाते हो, ये आप नहीं जानते होगे, ये जल्दी मिलता नहीं, होटलों में मिलता है फिलहाल, लेकिन ये सारी चीज़ें तो आप फिलहाल खाए हो। तो ये सब क्या है जिसको हम मशरूम की सब्जी खाते हैं, फिलहाल मैंने खाते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती है, लेकिन और लोग खाते हैं, ठीक है, कोई नहीं, चलो आ जाओ। उसके बाद आपका एक जो पूछा गया था आपसे स्पेक्ट्रम की लाइट वाला, याद आ रहा है आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं दिखा देती हूँ। दसवां क्वेश्चन देख लो क्या है, दसवां क्वेश्चन कहाँ गया, ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, लिखिए, एक नंबर का प्रश्न है, ठीक है, क्या है, एक नंबर। आप चलो वर्ण विक्षेपण क्या होता है वो बता देती हूँ, आओ, समझ में आ रहा है ना, समझ में क्लियरली आ रहा है ना, आप पढ़ेंगे दो बार देख लीजिए, एक बार नहीं आता है तो चीज़ें फिर भी अच्छी हैं, बहुत अच्छा आपके कहने पर मैंने किया। अब देखो ये होता क्या है, सूर्य के प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से पास किया जाता है, गुजारा जाता है, तो यह प्रकाश सात अवयव रंगों में डिवाइड हो जाता है, और प्रकाश से जुड़ी इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ही कहते हैं। जब एक सिंगल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जाके जब किसी प्रिज्म से पास आउट होती है तो सात रंगों में अलग अलग बढ़ जाती है, अतः श्वेत प्रकाश का सात रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण है। जो व्हाइट लाइट होती है वो ट्रांसमिट होकर सात रंगों में चेंज हो जाती है, यही आपका वर्ण विक्षेपण होता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं, कुछ इस तरीके से। तो आपको जो चीज़ें, अब चित्र बनाने के तो नहीं लिखा था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले बच्चे से आप ज़्यादा नंबर पाओ तो खुद बनाओ। तो ये देखो यहाँ पर श्वेत प्रकाश प्रिज्म, एक प्रिज्म बना दो, कांच का प्रिज्म, और फटाफट ऐसे करके बांट दो, आराम से आपका रंग हो जाएगा। रंग मत लिखना, सात वैसे बना देना लाइन वाइज, तो समझ में आएगा कि हाँ सात रंग इसमें हैं। आगे बढ़िए, एक लास्ट क्वेश्चन था आपको, दाब का सही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं, ये टिक करने को भी आती है, यूनिट्स टिक करने को भी आती है, और यूनिट्स लिखने को भी आती है। देखिए फ्रेंड्स, आपने जो अति लघु उत्तरी वाले थे वो कर ली, 11 प्रश्न हमने कर लिए और 11 में से 11 आपको मिल जाएंगे। अच्छा प्रश्न है, अच्छा पेपर भी है, अच्छा लिखना, इतने बड़े बड़े मत लिखना फिलहाल मैं तो समझाने के लिए, लेकिन बड़ा है तो बड़ा लिखना भी पड़ेगा। अच्छा आ जाओ, अभी 11 तक खत्म हो गया ना, अब दूसरा वाला है 12वां क्वेश्चन यहाँ पर, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, वो बढ़िया है, देखो फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ का अभिप्राय बताइए, साधारण बल्ब और हीटर और फ्यूज, कितने एम्पियर का फ्यूज़ लगता है, ये 10 से 5 लगता है ये तो। उसके बाद क्या है, पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था। आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी क्या होती है और किस लिए होती है, ठीक है, ये भी बताया हुआ है। यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण करिए, अच्छा वो वेवलेंथ या मैकेनिकल वेव वाला बताना, ओके। न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम को लिखिए, ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस की प्रभाव का धरती पर पड़ने वाले तापमान से क्या संबंध है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई, अब मैं एक एक करके आपको फटाफट बता दूंगी, आ जाए कि बात आपको समझ में। आइए चलते हैं 12th में, तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है ये आपको पूछ रहा है, ठीक है, आपके दृष्टिकोण से संबंधित क्वेश्चन है। अब ये क्या पढ़ना है, क्या करना है, देखो 12th क्वेश्चन कह रहा है हाइपरोपिया, ठीक है, हाइपर में लोग अलग अलग पढ़ते हैं फिलहाल, हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया को हाइपरमेट्रोपिया और दूर दृष्टिकोण दोष के नाम से भी जानते हैं, एक चीज़ के तीन तीन चार चार नाम होते हैं। हाइपरोपिया आँखों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी, आँख को इफेक्ट देने वाली एक बीमारी है ये, जिससे पीड़ित होने पर किसी भी वस्तु का प्रकाश रेटिना के पीछे पड़ता है, जो भी बंदा इससे ग्रसित होता है उसकी आंखों के जो प्रकाश की वस्तु का जो प्रकाश होता है वो उसकी रेटिना के पीछे बनता है, जिसके कारण उसको पास की जो चीज़ें होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं, उसको साफ साफ नज़र नहीं आती, यही होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, सिंपल तरीके से लिख देना। 13 आ जाओ, फ्यूज़ क्या होता है, यदि किसी फ्यूज से अधिक बिजली प्रभावित होती है, यदि किसी फ्यूज से अधिक बिजली प्रभावित हो रही, फ्लो हो रही, तो उसके लिए डिज़ाइन किया गया था, ठीक है, फ्यूज़ को इसीलिए बनाया गया था। फ्यूज इतना गर्म हो जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा फ्यूज मतलब पावर सप्लाई हो रही है, वोल्ट की पावर सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो फ्यूज आपका पिघल जाता है, गल जाता है, और ये सर्किट में एक गैप खोल देता है जो बिजली के प्रवाह को रोकता है। ये एक ऐसा फ्यूज सर्किट बनाया जाता है जो बिजली की प्रवाह की जो फ्लोवेशन होती है वोल्ट की, उसको कंट्रोल करता है और बहुत सारे महंगे महंगे नुकसान होने से आपके घर को बचाता है, वरना आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, चीज़ें आपकी गल जाएंगी, आग लग सकती है, बहुत सारी अनहोनियाँ हो सकती हैं, तो इसीलिए फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो वोल्टेज का फ्लोवेशन होता है उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। आगे बढ़िए, 14वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर था कि आपको जो है पर्यावरण संरक्षण करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इसके लिए आप क्या बताओगे, आपको क्या उचित लग रहा है कि कैसे आप हेल्प करो। तो घर की जो खाली ज़मीन है,
बालकनी या छत में वहाँ पे पेड़ लगाओ, ठीक है। ऑर्गेनिक खाद, गोबर की खाद, जैविक खाद का उपयोग करो। कपड़े धोने धोने जो झोले थैले निकले लेकर निकले, मतलब अगर कपड़े जो कपड़े के थैले बनते हैं उसको लेकर निकले, प्लास्टिक वगैरह को ना इस्तेमाल करें। घर से सब्जी वब्जी लेने जाए तो घर से झोला भाई खुद ही लेके जाओ ना। पहले देखो बैन हुआ था, फिर चलने लगा, नहीं तो नहीं मिल रहा था, तो ये सब काम करो। इसीलिए मॉल वॉल में देखो वो पेपर वाला का थैला मिलता है ना, पेपर का मिलता है, तो वो सही रहता है, वो जल मतलब गल जाता है, सही हो जाता है। पॉलिथीन अब बंद हो गई, कहाँ मिलती है, मॉल्स में नहीं मिलती है, ठीक है। तो खिड़की और खिड़की से पर्दे हटाएं, दिन में सूरज की रोशनी से काम चलाएं, बे मतलब लाइट वेट ना चलाएं, ठीक है। बाहर पड़े, बरामदे पड़े, खुली हवाओं में पड़े, ठीक है। तरफ चिड़िया की आवाज़ों को सुने, ठीक है। आगे चलते हैं इसी के साथ, देखते हैं नेक्स्ट। हाइपर, वो एक आपका क्वेश्चन आया था हाई ब्लड प्रेशर वाला, तो वो क्या होता है, किस कारण से होता है। तो हाइपर टेंशन कहो या हाई ब्लड प्रेशर कहो, एक जिसे कभी कभी धमनी रक्तचाप भी कहते हैं, एक पुरानी चिकित्सीय स्थिति होती है जिसमें धमनी में रक्त का दबाव, धमनियों में जो ब्लड का फ्लोवेशन होता है वो बढ़ जाता है। दबाव की उस कंडीशन को, उस कंडीशन के वृद्धि के कारण रक्त की धमनियों में रक्त का प्रभाव बनाए रखने के लिए हमें उसको सामान्य से अधिक करने की आवश्यकता पड़ती है, तब हम जाके उस पर कंट्रोल कर पाते। और ये होता क्यों है मालूम है, ज़्यादा से ज़्यादा वजन हो जाने पर, खूब जंक फूड खा लो, शारीरिक गतिविधि एक्टिविटी का अभाव है, बैठे रहो कुछ काम ना, एक्सरसाइज ना करो, योगा ना करो, बहुत ज़्यादा नमक वाले खाने का, शराब की खपत, शराब खूब पीते हैं जो लोग तनाव में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ ज़्यादा होती हैं। आगे बढ़िए, उसके बाद आपसे पूछा था कि यांत्रिक तरंगों के प्रकार कितने होते हैं। यांत्रिक तरंगें तीन प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ होती है, एक अनुदैर्ध्य होती है, एक संयुक्त होती है। अनुप्रस्थ वो होती है जो कर्ण की गति तरंग के गति के लंबवत होती है, अनुदैर्ध्य वो होती है जो कर्ण की गति तरंग के गति की समान दिशा में होती है, डायरेक्शन में होती है, और समुद्र संयुक्त का मतलब होता है जो समुद्र की लहरें होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 16वां प्रश्न आपका राइट आंसर है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही हो और क्वेश्चन आपको सही मिल रहे हैं, समझ रहे एकदम परफेक्ट है, तो लाइक करें बिना कोई नहीं जाइएगा। आप अगर ना सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं आपको डबल चीज़ें करके दूंगी, और मैं करती हूँ, कही हुई बात पर अमल करना मेरी एक हैबिट, हैबिट क्या कह सकते हैं कि मेरा नेचर है, या तो मैं कहती नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आपको न्यूटन के पहले दूसरे तीसरे तीन चार नियमों के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ाई वढ़ाई की है कि नहीं की है भाई, पढ़े रहना क्योंकि चीज़ें आ जाएंगी तो दिक्कत कर जाएगी अगर नहीं पढ़ोगे तो, और गलत बात है, पढ़ना ज़रूर चाहिए। देखिए न्यूटन की गति के नियमों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे तीन नियम होते हैं, एक होता है गति का पहला नियम जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, एक होता है दूसरा नियम जिसको संवेग का नियम कहते हैं, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो जड़त्व के नियम में देखो यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु जिस अवस्था में, जिस स्टेट में है, जिस भी कंडीशन में वो है, तो वो उसी अवस्था में रहेगी, अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, दो जिस वेग से चल रही उसी गति करती रहेगी। जब तक आप उसमें कोई बाहर का बल नहीं लगाओगे तब तक ना वो रुकने वाली है और ना ही वो चलने वाली है। तो वस्तु का वह गुण जो उसके विराम या गति की अवस्था को नहीं बदलता है उसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं, और न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे चलती रेलगाड़ी से अचानक उतर जाने पर क्या होता है, व्यक्ति आगे की ओर चला जाता है, ठीक है, होता है ना, तो ये आपका एग्जाम्पल है। खिड़की, जैसे खिड़की के शीशे पर बंदूक से गोली मारो तो शीशे में छेद हो जाता है, तो ये सब क्या है, ये आपका पहले नियम का उदाहरण है। आगे बढ़िए, दूसरा नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ फोर्स, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए हुए बल के अनुक्रमानुपाती इन रेसिप्रोकल हो जाती है, और संवेग के परिवर्तन की दिशा वही होती है जिस वस्तु पर वस्तु का बल आरोपित किया जाता है। संवेग का नियम ये कहता है, न्यूटन के दूसरे नियम में, ये कोई भी वस्तु अगर रेखीय संवेग में परिवर्तन की जो दर है उस वस्तु पर जो बाहर से बल लगाया जा रहा है वो उसके अनुक्रमानुपाती होता है, एवं ये कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में ही होता है, जहाँ पर बल लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हम उसी में अप्लाई करते हैं, इस ये द्वितीय नियम कहलाता है। जैसे आपको उदाहरण बताऊँ तो क्रिकेट खेल में खिलाड़ी तेजी से जो आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, तो गेंद का जो वेग है वो कम हो जाता है और खिलाड़ी को हाथ में चले खूब ऊंची गेंद आ रही है। जब भी कैच होता है, अब देखो जब भी वो कैच करता है हमेशा आगे की तरफ झुका लेगा अपना हाथ या नीचे की तरफ, उससे क्या होता है कि जो वेग होता है वो हमारा कम हो जाता है और बल हम उसी डायरेक्शन में लगाते हैं। तो यही आपका संवेग का नियम है, जो न्यूटन का दूसरा नियम है। बात कर लो तीसरे नियम की, ये क्या होता है,
प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है, अपोजिट रिएक्शन होता है, अर्थात दो वस्तुओं या पिंडों के बीच में पारस्परिक क्रियाएं सदैव विपरीत बराबर होती हैं। ये कह सकते हैं कि एक ही वस्तु पर नहीं लगती, परंतु वे एक दूसरे एक ही समय पर सदैव अलग अलग वस्तुओं पर लगती हैं, और इन्हें हम एक दूसरे के बल को इसीलिए निष्क्रिय कर देता है। मतलब क्या है, कहते हैं कि जैसे उदाहरण देख लो, उदाहरण ज़्यादा समझ में आता है। मतलब क्या है कि जैसे कुएं से जल के कुआं है और कुएं से पानी खींचो, तो जल खींचते समय रस्सी टूटने पर रस्सी खींचने वाला पीछे की ओर गिर जाता है। समझ रहे कि नहीं? जैसे पानी से कुएं से पानी खींच रहे, मान लो सपोज वो रस्सी टूट गई तो आप पीछे की तरफ गिर जाओगे, बंदूक से गोली मारने पर पीछे की ओर धक्का लगता है। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो न्यूटन के तीनों नियम आपको ध्यान रखने होंगे, याद करने होंगे, बहुत आते हैं। आगे चलो, जो कि आज का है लास्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जा रहा था कि आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन को वो इससे था, ग्रीन हाउस गैस से था। तो देखो क्या है, ग्रीन हाउस गैस एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत जो है अधिक गर्म करने में मदद करती हैं, और इन इसी को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि इसमें शामिल होते हैं। तो ये चीज़ें इनके बारे में, ग्रीन हाउस गैस से कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, थोड़ा गाड़ी वाड़ी का यूज़ ना करें ज़्यादा, ग्रीन पोल्यूशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ना करें, यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास मैं करना चाहूँगी ओवर, और आज की क्लास आपकी देख रहे हैं आप 27 मिनट की लगभग ये क्लास हो गई है, और क्लास बहुत अच्छी हुई, सारे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, मैंने सब बारीकी से बताया, और जो पॉइंट्स उसमें आए वो भी मैंने बीच के बताया। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एक छोटा सा कमेंट देके जाएं क्लास कैसी लगी, जो क्वेश्चन पूछा उसका रिप्लाई देंगे आप। फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लासेस के साथ, नया कुछ सीखेंगे जानेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।